थल सेना और वन विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर 10,27,000 रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस के मुताबिक लक्ष्मीकांत साहू निवासी ग्राम सेमरिया थाना विर्रा में दिनांक 5/6/2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई। ग्राम देवरी थाना शिवरी नारायणपुर नारायण निवासी दिलीप कुमार साहू उम्र 26 वर्ष से भोलेनाथ साहू ने थल सेना में नौकरी लगाने के नाम पर भोलेनाथ साहू के भाई गुलशन साहू से वन विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर 3,50,000 रुपए की मांग की थी, जो उनके झांसी में आकर तीनों ने साल 2020 और 21 में विभिन्न किस्तों में नकदी एवं फोन पे के माध्यम से कुल 1,27,000 रुपए दिलीप साहू को दिए थे। प्रार्थी एवं उसके साथियों द्वारा नौकरी नहीं लगने पर आरोपी से पैसे वापस मांगे। आरोपी द्वारा पैसा वापस नहीं किया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को ग्राम सिमरिया का लक्ष्मीकांत साहू पिता लक्ष्मण साहू दिनांक 5/6/22 को रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके साथ ग्राम देवरी सिमरिया का दिलीप साहू नौकरी लगाने के नाम पर 4.5 लाख की ठगी किया है। उसके साथ ही उसके अन्य साथियों से थल सेना एवं फॉरेस्ट गार्ड में नौकरी लगाने के नाम पर कुल 10,27,000 की ठगी की गई है। इस पर अपराध निबंध कर विवेचना में लिया गया था। अवेश्वर एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक मोहन दया विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें आरोपी को कल दिनांक 24 को पटपेड़ी थाना के ग्राम भुकुंडा से गिरफ्तार किया गया है।